नमस्कार, मैं राणा यशवंत सत्य में आपका स्वागत करता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में न्याय की सबसे बड़ी पीठ सुप्रीम कोर्ट है। इस देश का हर आदमी इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कहता है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि न्याय के सबसे बड़े ऊंचे मंदिर में सच ही जीतता है, सत्य में वह जयते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर चार जजों ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाकर न्याय व्यवस्था को संदेह, सवाल और अविश्वास के घेरे में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने आना और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हो रहे हैं उन पर ही सवाल उठाना एक ऐतिहासिक, असाधारण, अभूतपूर्व, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय और अति अपमानजनक घटना है। इसलिए देश को ये जानना जरूरी है कि जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन भीमराव लोकुर ने जो कहा उससे क्या सवाल उठते हैं और क्या वे सवाल इतने बड़े थे कि जो आज तक नहीं हुआ वैसा उन लोगों को करना पड़ा। क्या सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता सचमुच संदेह के दायरे में है और क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है? देश के सामने चारों जजों ने जो सवाल उठाए आज उन्हीं सवालों को हम बारीकी से समझेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी घटना की असली वजह क्या रही होगी। पहली वजह है रोस्टर का विवाद। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला सुनवाई के लिए किस बेंच को दिया जाएगा, इसका जो रिकॉर्ड होता है उसे रोस्टर कहते हैं और इस रोस्टर को तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास होता है, जो अभी के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के पास है। अब जो चिट्ठी चारों जजों ने जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखी है उसमें वो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर होता है और यह व्यवस्था इसलिए है ताकि मुकदमों का बंटवारा सही तरीके से अलग अलग बेंच को हो, जिससे कामकाज बिना किसी दिक्कत के चल सके। चीफ जस्टिस को यह अधिकार अनुशासन और सक्षम कार्य व्यवस्था बहाल रखने के उद्देश्य से मिला है, ना कि उसकी वरिष्ठता के कारण। इस देश की न्याय व्यवस्था में यह साफ है, चीफ जस्टिस सभी बराबर के जजों में से ही एक है। अगर ऐसा ही है तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अगर सभी जज बराबर हैं तो कोई भी मामला किसी भी जज या बेंच को दिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है, और दूसरा ये कि इन्हीं जजों का ये आरोप यहाँ कमजोर पड़ जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हाल के समय में देश और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर जिन फैसलों का लंबा और गहरा असर पड़ सकता है उनसे जुड़े मामले चीफ जस्टिस चुन चुन कर अपनी पसंद की बेंच को देते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ आप ये कहें कि सभी जज बराबर हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कहें कि बड़े मामले आपको नहीं दिए जा रहे हैं जबकि आप सीनियर मोस्ट जजों में से हैं, तो फिर ये दोनों बातें एक दूसरे से टकरा रही हैं। लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों में बंटवारा है, चीफ जस्टिस की पसंद नापसंद के खेमे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का इशारा भी है कि बहुत सारे ऐसे मामले जिनके गहरे राजनीतिक सरोकार हैं उनके फैसलों में इंसाफ नहीं, पक्षपात है। राजनीति कहीं ना कहीं न्यायपालिका के भीतर घुसी पड़ी है। अगर ऐसा है तो इस देश के लोकतंत्र की सबसे मजबूत और भरोसेमंद संस्था को लेकर सबसे खतरनाक सवाल है। एक आदमी जो इंसाफ की आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की उम्मीद रखता है, बातचीत में लोग ये कहते सुने जाते हैं कि हम तुमको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे, तो ये सिर्फ इसलिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत तो इंसाफ देती ही है, यह भरोसा सब में है। लेकिन अब इस भरोसे को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है। इसलिए मेरा सवाल है कि जिन चार जजों ने देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चलने की बात रखी, उन्होंने अपनी आत्मा को पाप मुक्त भले कर लिया हो लेकिन इंसाफ पर एक आम आदमी के भरोसे को बहुत गहरी चोट पहुंची। ट्रांसपेरेंसी केसेज के लिस्टिंग में और उसमें अगर हम चाहने लगेंगे कि हमारे चुनिंदा या मनपसंद अगर बेंच लगने लगे और वैसा होने लगे, चाहे कोई जज हो और या कोई वकील हो या कोई लिटिगेंट हो, तो यह जुडिशियरी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह पावर दिया गया है, हमको ऐसा लगता है कि उस पर उंगली उठाना कि ट्रांसपेरेंसी क्या थी क्या नहीं थी, अगर हम उठाएंगे तो हर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हर एक जज के साथ ये बात होने लगेगी। खैर, अब बगावत की चिट्ठी का दूसरा सवाल और वो सवाल मेमोरेंडम प्रोसीजर से जुड़ा है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया। अपॉइंटमेंट का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के पांच सीनियर जजों के पास है जिसे कॉलेजियम कहते हैं। चिट्ठी में ये कहा गया है कि एमओपी जिस संवैधानिक बेंच ने तय किया उससे जुड़ा फैसला कोई दूसरी और छोटी बेंच को क्यों दे दिया गया, ये समझ से पड़े है। यहाँ मैं आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ।
दरअसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो कॉलेजियम करता है उसकी जगह पर केंद्र सरकार ने अलग व्यवस्था खड़ी की थी। बाकायदा कानून बनाकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाने की बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसे रद्द कर दिया। ये अलग बात है कि जस्टिस चलमेश्वर उस बेंच में थे और केंद्र सरकार का पक्ष लिया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2017 में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार किया, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मशवरे की भी जगह रखी गई, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने लगभग 9-10 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। 27 अक्टूबर 2017 को एक अर्जी आई जिसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट की तारीख से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। इस बात का जिक्र एमओपी में था ही नहीं, इसलिए उसमें रिवीजन की जरूरत महसूस हुई और मामला 2 जजों की बेंच को दे दिया गया। चारों जजों का एतराज इस बात पर है। अब सवाल ये है कि खुद जस्टिस चलमेश्वर के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई, तो क्या इसके लिए मीडिया में आने की जगह कोई और रास्ता नहीं था? वी हैव ऑल हैड डिफरेंसेस विद ईच अदर ओवर वेरियस मैटर्स कि दे कैन बी जुडिशियल, दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, बट नेवर हैव आई एवर एनविसेज दैट वी स्टार्ट गोइंग टू द प्रेस फॉर थिंग्स लाइक दिस। यस, आई हैव रिटन लेटर्स टू my colleague judges of do's and don'ts about on various things, but no one went to the press. अब तीसरी बड़ी बात, जज लोया की मौत की जांच का मामला। जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये मामला कोर्ट नंबर 10 को दे दिया है, जो जस्टिस अरुण मिश्रा का है। 12 जनवरी की सुबह जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से ये चारों जज मिले, तो इन चारों ने अपना एतराज इस बात पर रखा। Is there any specific issue? It is an issue of assignment of a case, which is an issue raised in that letter. This is about lawyers thing. जज लोया सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज थे और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस मामले में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी आरोपी थे। 1 दिसंबर 2014 को जस्टिस लोया नागपुर में एक शादी में गए थे, जहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बाद में अंग्रेजी पत्रिका कैरवन ने जब ब्रजमोहन लोया के पिता और बहन से बात कर एक रिपोर्ट छापी और उसमें जज लोया की मौत को संदेहास्पद कहा और उसे कवर अप करने का आरोप लगाया, तो मामला गर्मा गया। नागपुर में वो गए थे, परिवार के शादी में गए थे और वहाँ पे उनकी जिस ढंग से मौत हुई और मौत के बाद का जो घटनाक्रम है, उनका पोस्टमार्टम होना, पोस्टमार्टम पेपर पे फैमिली के किसी मेंबर का सिग्नेचर न होना वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। मुझे लगता है वो महत्व की है और यही तथ्य जो है सामने लाने की जरूरत है, इसलिए हमारी मांग है कि उसकी जाँच हो जाए। इसके बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, CPM सहित दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज AP शाह ने मामले की जाँच की मांग की। बाद में कैरवन की रिपोर्ट की एक एक घटना को इंडियन एक्सप्रेस ने रिकंस्ट्रक्ट किया। अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए, चश्मदीदों से नागपुर, लातूर और मुंबई में बात की गई, जज लोया के परिवार वालों की राय ली गई और इसके अलावा उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों से भी बात की गई। इंडियन एक्सप्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सीटिंग जजों से भी बात की, जो उस अस्पताल में मौजूद थे जहाँ जस्टिस लोया की मौत हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने यह दावा किया कि कैरवन मैगजीन ने जो कुछ भी कहा, मसलन ECG काम नहीं कर रहा था, परिवार से अपरिचित एक आदमी ने शव को उठाया, जज लोया के पार्थिव शरीर को लवारिस छोड़ दिया गया और बिना स्कॉट के उनके पुश्तैनी गांव पहुंचा दिया गया, ये सब घटनास्थल पर मौजूद सबूतों से मैच नहीं करते। इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जज जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस सुनील शुक्रे जज लोया की मौत के बाद अस्पताल गए और इनकी बॉडी को भेजने का इंतजाम करवाया। इन दोनों जजों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी मौत के कारणों पर संदेह किया जा सके, ऐसा वहां उन्हें कुछ लगा नहीं। ये जज लोया की मौत का मामला है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 10 में। ऐसे में देश के सामने आने वाले चारों जज ये मानते हैं कि इस मामले का देश और संस्था पर वाकई गहरा असर पड़ेगा और इसे उन जैसे सीनियर जजों को दिया जाना चाहिए था। तो कुछ सवाल यहाँ लाजमी से, क्या दीपक मिश्रा की इंटीग्रिटी पर संदेह है? वो संदेह के दायरे में है? अगर नहीं, तो फिर चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नियम को मानने को आरोप लगाने वाले चारों जज तैयार क्यों नहीं? दूसरा ये कि कोर्ट नंबर 10 के जस्टिस अरुण मिश्रा की योग्यता क्षमता पर उन्हें संदेह है? अगर नहीं, तो फिर सीनियर और जूनियर,
कम योग्य या ज्यादा योग्य का सवाल ही क्यों उठता है, यानी पेंच है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट सुन ही रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे सुनने की जल्दी क्यों पड़ी, जबकि जजों की घोर कमी है और यह बात बार बार बताई जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर पहले 1.5 साल सरकार से टकराव चला और पिछले 10 महीने से एमओपी ना होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में 6 और देश के हाई कोर्ट में 395 जजों की पोस्ट खाली है। अभी हाल ही में न्यायिक निपटारों को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई। हत्या का एक मामला इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, जिसमें अपील 2007 में हुई, लेकिन अभी तक सुनवाई का नंबर नहीं आया। हाई कोर्ट के मुताबिक जो अपील वाले मामले हैं, अगर उनको ही सुना जाए तो एक मामले का नंबर 11 साल पर आएगा, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो 20 साल से लंबित हैं। सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही ले तो यहां 13,600 मामले सुनवाई के इंतजार में हैं, और वजह ये है कि इस कोर्ट में 160 जज होने चाहिए और हैं सिर्फ 84। कहने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि इस देश का आम आदमी अपने लिए इंसाफ के इंतजार में 20 साल काट देता है और हमारे 4 जज 2 महीने की लड़ाई के बाद या कुछ महीनों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की पूरी गरिमा को लेकर मीडिया के सामने आ गए, उनका सब्र जवाब दे गया। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे पाक और सबसे विश्वसनीय कोई संस्थान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, और उसकी साख को लेकर आम आदमी के मन में संदेह पैदा होता है तो ये सवाल है कि हम सिस्टम के भीतर क्या इतने ताकतवर नहीं हैं कि अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सही बात मनवा पाएं, लागू करवा पाएं। अगर इंसाफ देने वाले ही इंसाफ की गुहार लगाने लगेंगे तो यह ठीक वैसे ही है जैसे रक्षक अपनी ही रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वैसे इन सारे विवाद में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो है ही। वकीलों का खेमा जैसे जजों में बटा हुआ सा है, वैसे ही जज दलों में बटे हुए से लगने लगे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, चारों जजों के सवाल पर सहानुभूति जताई, गंभीर बताया और अपने काम की बात यानी जज लोया की मौत की जांच का मामला आहिस्ते से आगे कर दिया। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के हर उस नागरिक को जिसको देश के भविष्य की चिंता है और देश के प्रजातंत्र की चिंता है, उसको अपनी आवाज इस समय उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ डाउटफुल है तो उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रवार की रात में सीपीआई नेता डी राजा जस्टिस चलमेश्वर से मिलने उनके घर गए और शनिवार को तमाम विपक्षी दल बागी जजों की पैरवी में खड़े दिखे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा चुपके चुपके जस्टिस दीपक मिश्रा से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कुल मिलाकर दोतरफा खेमेबंदी जैसी हालत तो दिखती ही है। सियासत ने इस पूरे मामले में अपना नफा नुकसान खोजना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के आप सभी नेताओं के बयान को देखें तो कोई भी आदमी अपनी पार्टी लाइन से बाहर या अलग नहीं है, वो अपनी पार्टी लाइन पर ही है, अपने फायदे के लिए ही है, यानी कि जजों को लेकर के खेमेबंदी मोर्चेबंदी सियासत में शुरू हो गई है। जब इतनी बड़ी बात है, भूचाल जैसे हालात हैं, तो इसे सही करने की जिम्मेवारी नेताओं की नहीं है, सत्ता की नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ही है। अब खबर यह है कि 17 तारीख से लगे नए रोस्टर में, जिसमें संवैधानिक पीठ के सामने आधार कार्ड समेत 8 मामलों की सुनवाई होनी है, उसमें उन 4 जजों को नहीं रखा गया है जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन भी खुलकर इस मामले में सामने आ गया है और निपटारे के लिए चीफ जस्टिस से फुल बेंच बुलाने की मांग कर रहा है। साथ में ये प्रस्ताव भी रखा है कि जनहित से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 5 वरिष्ठ जज ही करें, मतलब कोर्ट नंबर 1 से कोर्ट नंबर 5 तक, यानी कि वो 4 जज भी इसमें आएंगे जिन लोगों ने बगावत की है कथित तौर पर। चीफ और चारों जस्टिस के बीच विवाद में मेडिकल कॉलेज वाला मामला भी है। देश के कई ब्लैक लिस्टेड मेडिकल कॉलेज को नियमित करने के लिए कथित तौर पर कुछ शीर्ष जजों पर घूस लेने के आरोप लगे थे। इसकी जांच सीबीआई को दी गई, लेकिन सीजेआर यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स नाम की संस्था ने इस मामले में सीबीआई की जगह एसआईटी से जांच कराने की मांग की।
9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चलमेश्वर की पीठ के सामने याचिका लगाई गई। सुनवाई के लिए 10 नवंबर का दिन तय हुआ, लेकिन अधिवक्ता प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद जस्टिस चलमेश्वर ने अगले दिन 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने मामले को सुनवाई के लिए भेजा। लेकिन इससे पहले कि चलमेश्वर अपना लिखित आदेश जारी करते, चीफ जस्टिस के यहाँ से एक मसौदा आदेश आ गया। फिर चीफ जस्टिस के साथ 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ ने आदेश दिया कि CJI ही रोस्टर के मुखिया हैं। इत्तफाक से मैं मेडिकल काउंसिल के लिए अपियर भी कर रहा था, इसलिए मेरे को मालूम है उस मामले में दीपक मिश्रा के ऊपर कहीं कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो उनके क्रेडिबिलिटी पे या उनके ऑनेस्टी पे कोई सवालिया निशान उठाए, और उन्हीं के पास मुकदमे को आवंटित करने का प्राथमिक अधिकार है। अगर राजनीति न्याय व्यवस्था में दखल देने लगे तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि सत्ता भ्रष्ट और लोगों के हितों के खिलाफ है, और दूसरा ये कि जज इतने कमजोर हो गए हैं कि वो नेताओं के दबाव में आने लगे हैं। ये दोनों स्थितियां देश के लिए खतरनाक हैं। नेताओं के बारे में तो पूरा देश जानता है, और अब लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया भी सरकार और विपक्ष के बीच बंट सा गया है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। एक धड़ा सरकार के हर किए को सही साबित करने में गला फाड़ता रहता है, और दूसरा सरकार को हर तरह से गलत साबित करने में ताकत झोंके रहता है। मीडिया भी भरोसा खोता जा रहा है, लेकिन जुडिशरी पर यकीन अभी तक बना रहा है, जिसे इस घटना के बाद धक्का जरूर पहुंचा है। वैसे जजों पर नेताओं के दबाव की बात कोई नई नहीं है, इस लिहाज से इस देश की एक बड़ी घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इंदिरा गांधी 1971 में राजनारायण के खिलाफ रायबरेली का लोकसभा चुनाव जीत गई, और इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने चुनौती दी। मामला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में 4 साल चला। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस JS माथुर थे, जो इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर KP माथुर के करीबी रिश्तेदार थे। इस मामले में राजनारायण के वकील शांति भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंदिरा जी के हक में फैसला देने के लिए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के घर पर जस्टिस माथुर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन तब ये बात सामने आई थी कि जस्टिस सिन्हा पर दबाव बनाने की भरसक कोशिश हुई। ये दीगर बात है कि जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BS कृष्णय्यर के पास आया, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। नतीजा ये हुआ कि देश को इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। जस्टिस अय्यर ने रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि तब के कानून मंत्री HR गोखले ने मामले की सुनवाई के दौरान उनसे फोन कर मिलने का समय मांगा था। अभी हाल ही में लालू यादव के खिलाफ जब चारा घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट के जज शिवपाल सिंह अपना फैसला सुना रहे थे, तो उन्होंने खुद लालू यादव से कहा कि आपके लिए बहुत पैरवी आ रही है। बाद में पता चला कि पैरवी करने वालों में जालौन के DM और SDM भी थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ही पर्दे के पीछे की लड़ाई पूरे देश के सामने आई, तो पूरा देश भी इस पर बंट गया है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर पूरा देश बंटा हुआ सा है। खेमेबंदियाँ मोर्चेबंदियाँ तेज हैं। अभी तक तो राजनेता, उद्योगपति, संत महात्मा, मुल्ला, मौलाना, मीडिया, पत्रकार, अफसर सरकार पर खेमेबाजी चलती रही है, लेकिन जजों के पक्ष में और उनके खिलाफ ऐसी लामबंदी पहली बार दिख रही है। इन लोगों ने एक मौका दे दिया सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को, कि वो इस पर बैठक कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी होने लगी है। तो ये ही साबित करता है कि हमारी जुडिशियरी को आप कंट्रोवर्शियल बना दिए, और इस ढंग का कोई कदम भविष्य में नहीं होना चाहिए। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। इस देश में मौलिक अधिकार का मामला हो या धर्मनिरपेक्षता का सवाल, राजनीतिक संकट हो या फिर सत्ता की लूट खसोट, बच्चों की देख रेख का मामला हो या फिर माँ बाप की देखभाल का, पत्नी का अधिकार हो या बेटी का हिस्सा, देश की परंपरा का मामला हो या संस्कृति का सरोकार, सुप्रीम कोर्ट से निकली आवाज़ आखिरी होती है। इसलिए इस देश में नाइंसाफी के शिकार हर आदमी की आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है। इतने गरिमामय और शक्तिशाली संस्थान को यूं अचानक सड़क पर ले आने का कोई क्रांतिकारी कारण होता तो बात समझ में आती। चिट्ठी में तो नाराज मिलॉर्ड्स ने यह भी नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता रहा है और हो क्या रहा है। लोकतंत्र अगर खतरे में है तो कैसे है, देश को यह जानने का पूरा अधिकार है। अगर उससे ये बातें छिपाई जाती हैं तो ये एक गुनाह की तरह है। जैसे कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपकी ज़िंदगी खतरे में है, लेकिन वो मर्ज नहीं बताए,
तो इलाज का रास्ता बंद कर रहा है। देश हमेशा यह सवाल आप जज साहबान से पूछेगा कि लोकतंत्र और जनता के हक में क्रांति करनी ही थी तो पूरे देश के सामने समूचा सच रखते क्यों नहीं। 68 में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।